स्वागत है आप सभी का गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो वैसे तो दोस्तों आज आपकी तैयारी का लास्ट दिन है, क्योंकि आज दोपहर के बाद तो आप सभी अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है, अपना जो गंतव्य है, अपने एग्ज़ाम सेंटर की ओर निकल जाएंगे। तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी के बीच में यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि कई दिनों से आप दोस्तों ये पूछ रहे थे कि जो वर्गवार है यानी कि कास्ट वाइज जो है जो डाटा है वो कितने फॉर्म किसके भरे गए हैं और किसका कंपटीशन कितना रहेगा। और ये जो डाटा है बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है, बिल्कुल सटीक है। मतलब आयोग द्वारा जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसके अंतर्गत दोस्तों एक जानकारी ली गई है, उसमें से दोस्तों मैं ये डाटा आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वर्गवार प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या की बात करें तो जो कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं 119,376, 119,376। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल में जो 41,336 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, कितने 41,336 अभ्यर्थी, और इसमें से ही जो जनरल के अभ्यर्थी इसमें से ही 10% जो अभ्यर्थी वो EWS वाले हैं। कहने का मतलब है अगर EWS की बात करूं तो 4,133 जो फॉर्म हैं वो किसके हैं, EWS वालों के हैं, ठीक है। वहीं पर मैं दोस्तों अगर इसमें जनरल की जो वैकेंसी है उसकी बात करें तो 861 वैकेंसी है, कितनी है 861 वैकेंसी है। अगर जनरल में मैं कंपटीशन लेवल की बात करूं तो एक वैकेंसी पर 48 अभ्यर्थी, एक वैकेंसी पर 48 जो अभ्यर्थी हैं वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें से मैं EWS निकाल दूँ तो ये और भी जो कंपटीशन कम दोस्तों हो जाएगा। वहीं पर OBC की बात करूँ मैं तो OBC के जो फॉर्म हैं वो सबसे ज़्यादा भरे गए हैं, 53,483 फॉर्म भरे गए हैं OBC के। अगर मैं OBC की चाहे सिविल की चाहे मैकेनिकल की चाहे इलेक्ट्रिकल की टोटल ऑल ओवर वैकेंसी की बात करूं इस वैकेंसी में 1477 में से तो 357 वैकेंसी हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 53,483 को 357 से तो ये निकल कर आता है दोस्तों 149.81। यानी कि कहने का मतलब है कि एक सीट पर 150 अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं दोस्तों, सीधे सीधे फाइट कर रहे हैं, और सबसे अधिक जो मुकाबला है वो OBC के बीच है। वहीं पर SC की बात करूं तो 27,743 फॉर्म, और जो वैकेंसी की बात करूं तो 247 है। इसे मैं डिवाइड करके आंकड़ा अगर मैं निकालूं तो 112.31 यानी कि 113 अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं SC में भी। ST की बात करूँ तो टोटल 814 फॉर्म भरे गए हैं जिसमें ST की 12 वैकेंसी हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आता है हमारा 67। तो कहने का मतलब है कि सबसे अधिक जो कड़ा मुकाबला है वो दोस्तों किसके बीच हो रहा है, वो OBC एवं SC में। यहाँ की जो मेरिट है वो इस बार जनरल से भी अधिक जाएगी, ये देख लेना, जो आपकी मेरिट है वो आपकी जनरल से भी अधिक जाएगी OBC की। जब मैं ये बात आपको बताता था तो आप सभी सोचते थे कि गजेंद्र सर पता नहीं अपने मन से ये सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन आज जब ये आंकड़ा निकल के आ रहा है तो आप आश्चर्यचकित रहेंगे जब भी इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। सबसे कम जो फाइट है वो जनरल में और EWS में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के लिए तैयार होंगे, अपनी जो तैयारी है आपकी कर ली होगी। इस पर करें, आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सभी की जो मनोकामनाएँ पूरी हों। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से फिर एक नई वीडियो के साथ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।